नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल्स पे। और आज आपके लिए लेके आए हुए एयरटेल डिजिटल टीवी का, यदि आपके इसमें सिग्नल नहीं आ रहा है तो सिग्नल को कैसे आपको बनाना है और कैसे उसको सिग्नल को सही करना है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे इसमें सिग्नल कितना पा रहा है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें आपका स्कैनिंग करने के लिए आता है और दूसरा आपका FTA स्कैनिंग करने के लिए। तो सेटेलाइट में आप आएंगे तो आपको यहाँ पर सेटेलाइट देख सकते हैं कि SES 7 करके आपका आता है और SES इसमें आपको 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 करके आपको इसमें टोटल बताएगा। तो आपको इसमें जो सिग्नल चेक करना है तो SES 7 TP 11 में चेक करना है जो आपका सिग्नल होगा, तो आपका सिग्नल इसी में आएगा। तो यहाँ पर से आपको ओके कर देंगे तो आप यहाँ पर से देखेंगे तो आपका सिग्नल क्वालिटी वगैरह सब जीरो बता रहा है। तो ऊपर चलते हैं और सिग्नल कैसे सेट करते हैं उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो पे बने रहें और देखते जाए कि कैसे आप सिग्नल को सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं दृश्य की ओर आ चुका हूं और सिग्नल को सेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका NLB स्क्रू एंगल है सबसे पहले आपको इसको ध्यान में रखना है। जो आपका स्क्रू एंगल होगा तो सबसे पहले आपका 25 और 30 के बीच में आपका सिंगल स्क्रू होना चाहिए, जो कि आपका इतने के करीब आपका आएगा। यदि सामने से आप देखेंगे अपने डिस्क को तो आपके करीब करीब इतना करीब आएगा तभी आपका इसमें सिग्नल मिलेगा। तो आपको इतने में रखना पड़ेगा। इसके बाद आपको डिस्क को सेट करना है। तो डिस्क को कैसे सेट करना है उसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरा जो सिग्नल है वो तो DTH में सेट है और इसको एयरटेल में सेट करने के लिए पूर्व की ओर आपको ने डिस्क को घुमाना पड़ेगा थोड़ा डाउन करके, तभी आपका ये सिग्नल पूरी तरह से सेट होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि आपका जो सिग्नल है तो सिग्नल करीब आप देख सकते हैं, डिस्क को मैंने सेट कर दिया है और ये आपकी फ्री डिस्क में सेट है। तो इसको सेट करने के लिए अपने सबसे पहले डिस्क को ढीला करना पड़ेगा, जो आपकी रेंज लगेगी 10 और 11 के करीब, या फिर आप 9-10 लगा सकते हैं, 9-10 भी आपकी लग जाएगी। तो 10 के करीब आप इसमें लगेगा। तो सबसे पहले डिस्क को आपको नीचे कर लेना है और जैसे ही डिस्क को आप हल्का सा नीचे करेंगे, करीब करीब आपको इतना नीचे कर लेना डिस्क को, और डिस्क को नीचे करने के बाद इसको आपको ये वाले को ढीला करना है, इस तरह से ढीला कर लेना है। और ढीला करने के बाद आपको डिस्क को पूर्व की ओर मूव करना है। तो आप देख सकते हैं पूर्व की ओर मैं इसको ढीला करके पूर्व की ओर मूव करूंगा और पूर्व की ओर मूव करने के बाद जो मेरा डिस्क का सिग्नल आएगा तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा एयरटेल में हो गया है। तो आपको डीडी फ्री डिस्क में इतना था, एयरटेल को इतना मूव कर दिया तो आपका डिस्क सेट हो गया है। और मेरे पास एनालॉग मीटर है तो एनालॉग मीटर भी आपको चलना सिखाऊंगा अगले वीडियो पे। आज मैं आपको सिग्नल सेट करके दिखाऊंगा कैसे आप सिग्नल सेट कर सकते हैं। तो चलते हैं नीचे की ओर और आपको दिखाते हैं कि सिग्नल कितना सेट हो गया है। 2.24E-04 करके इतना सिग्नल क्वालिटी आपका बता रहा है। तो इस तरह से आप अपने एयरटेल डिजिटल टीवी का सिग्नल सेट कर सकते हैं और सिग्नल को बना सकते हैं। और बैक करेंगे, बैक करने के बाद आप इसमें देख सकते हैं कि आपका जो सिग्नल का था तो सिग्नल की प्रॉब्लम जो थी तो आपको पूरी तरह सही हो गई है। और ये सेटअप बॉक्स में अभी रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज खत्म होने के कारण से ये बॉक्स बंद है। और इसमें आपके होम चैनल्स जो होंगे तो होम चैनल्स पर चलेंगे और होम चैनल्स के अलावा आपके इसमें कोई भी नहीं चलेंगे। तो इस तरह से आप अपने एयरटेल डिजिटल टीवी का यदि आप सिग्नल बनाना चाहते हैं तो सिग्नल को बना सकते हैं और सिग्नल बना के आप उसको सही कर सकते हैं और सिग्नल को भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मिलते हैं आपको अगले वीडियो पर।